नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इंडिया न्यूज हरियाणा में और साथ में हूं आपकी कीर्ति कंसल। चलिए शुरुआत करते हैं फटाफट खबरों की। कृषि कानूनों पर किसानों को समझाने के लिए अब मुख्यमंत्री जमीन पर उतर आए हैं। करनाल के मंगलसेन ऑडिटोरियम में किसान संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री ने किसानों को समझाया कि कृषि कानून सीधे तौर पर किसानों के लिए फायदेमंद है और इन कानूनों से किसानों का ही भला होने वाला है। ऑडिटोरियम में अलग अलग जिलों से 100 किसानों को बीजेपी ने बुलाया, जिन्होंने सीधे मुख्यमंत्री से संवाद किया। इस कार्यक्रम में कृषि मंत्री जेपी दलाल भी पहुंचे। फसल खरीद को लेकर के सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट किया, लिखा कि हमारी सरकार मक्के का एक एक दाना खरीदेगी। किसानों से संवाद से पहले सीएम डबरी गांव में बीजेपी कार्यकर्ता के घर पहुंचे। सीएम मनोहर लाल ने बीजेपी कार्यकर्ता अमरीक सिंह के बेटे की मौत के बाद परिवार के साथ दुख साझा किया। राहुल गांधी के खेती बचाओ किसान बचाओ अभियान का पंजाब से आगाज, 3 दिन पंजाब में किसानों के लिए रैली और जनसभा करेंगे पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष। सोमवार को संगरूर, मंगलवार को पटियाला में रहेंगे राहुल। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर फिर बोला हमला। पंजाब के मोगा में खेती बचाओ यात्रा को संबोधित करते हुए राहुल ने कहा कि अगर सरकार को ये बिल पास करना ही था तो सबसे पहले लोकसभा और राज्यसभा में चर्चा करनी चाहिए थी। राहुल गांधी ने कहा कि वो किसानों को गारंटी देना चाहते हैं कि जिस दिन कांग्रेस सत्ता में आई उस दिन इन तीनों काले कानूनों को खत्म कर देगी और इन कानूनों को कूड़ेदान में फेंक देगी। कांग्रेस नेता ने कहा कि वे पंजाब के किसानों को भरोसा दिलाना चाहते हैं कि कांग्रेस देश भर के किसानों के साथ खड़ी है और कांग्रेस एक इंच भी अपने वादे से पीछे नहीं हटने वाली है। राहुल गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार एमएसपी को खत्म करना चाहती है और चाहती है कि खेती का पूरा बाजार अंबानी और अडानी के हवाले कर दिया जाए, लेकिन कांग्रेस पार्टी ऐसा नहीं होने देगी। राहुल ने कहा कि यदि किसान इन नए कानूनों से खुश है तो देश भर में किसान प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं, पंजाब में किसान प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं, कोरोना काल में इन तीन कानूनों को लागू करने की क्या जल्दबाजी थी। राहुल गांधी के हरियाणा दौरे को लेकर कांग्रेस ने प्लानिंग तेज कर दी है। दिल्ली में कांग्रेस के बड़े नेताओं की बैठक हुई। बैठक में राहुल गांधी के हरियाणा दौरे को लेकर कार्यक्रम तय किया गया। राहुल गांधी 6 अक्टूबर को पिहोवा से किसान यात्रा शुरू करेंगे और 7 अक्टूबर को करनाल में यात्रा का समापन किया जाएगा। 6 अक्टूबर से हरियाणा में राहुल की यात्रा शुरू हो जाएगी। हरियाणा में भी पंजाब की तरह वो जगह जगह जनसभाएं करेंगे, लोगों से बातचीत करेंगे। राहुल गांधी को निशाने पर लेते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राहुल के पास कोई काम नहीं है, उनके कार्यक्रम की हमें कोई जानकारी नहीं है, कानून व्यवस्था को खराब नहीं होने दिया जाएगा। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि कृषि कानूनों को लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है। किसानों की धान और नरमे कपास की फसल की एमएसपी पर खरीद हो रही है, किसानों को कोई परेशानी नहीं होने दी जाएगी। दुष्यंत ने कहा कि उनके दरवाजे किसानों के लिए हमेशा खुले हैं, वो किसानों के हर सवाल का जवाब देने को तैयार हैं। राहुल गांधी के हरियाणा में कृषि कानून के विरोध को लेकर दुष्यंत ने तंज कसा है, कहा कि राहुल को कृषि का तो पता नहीं है और वो किसानों को बरगलाने चले हैं। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि महिला सशक्तिकरण की दिशा में राज्य सरकार ने पहल की है और प्रदेश के सभी गांवों में महिला स्वयं सहायता समूह एक्टिव किए जाएंगे। सभी जिला मुख्यालयों पर महिला स्वयं सहायता के उत्पाद की मार्केटिंग की व्यवस्था होगी। गुहाना के बरोदा में इनेलो नेता अभय चौटाला ने कार्यकर्ता सम्मेलन किया, कहा कि सम्मेलन ने जलसे का स्वरूप ले लिया है, इससे उपचुनाव में इनेलो के किसी भी कैंडिडेट को जनता भारी बहुमत से विजय दिलाने का काम करेगी। अभय चौटाला ने कहा कि कांग्रेस के 10 साल के कार्यकाल में बरोदा हलके की अनदेखी हुई और उसका जवाब अब जनता कांग्रेस से लेगी। अभय ने यह भी कहा बरोदा क्षेत्र में हुए कार्यकर्ता सम्मेलन से कई लोगों की नींद हराम होगी। बीजेपी के साथ साथ जेजेपी भी कृषि कानूनों के पक्ष में है और किसानों के बीच जाकर उन्हें जागरूक किया। प्रतिला के मोहना गांव में जेजेपी नेता पहुंचे और किसानों को कहा कि इन कानूनों से उनका भला होगा। उन्होंने किसानों को समझाया कि जो कानून मोदी सरकार ने बनाए हैं वो पूरी तरह से किसानों के हित के लिए हैं और भविष्य में यही कानून किसानों की उन्नति के लिए मील का पत्थर साबित होंगे। हरियाणा पंजाब सीमा पर आज एक बार फिर शिरोमणि अकाली दल अमृतसर यूथ की अगुवाई में किसान सड़क के बीचों बीच उलट गए, जिससे नेशनल हाईवे नंबर 1 पर जाम लग गया। किसानों के साथ शिरोमणि अकाली दल अमृतसर यूथ के कार्यकर्ताओं ने नेशनल हाईवे ब्लॉक कर दिया। ये जाम आधे घंटे के लिए सांकेतिक लगाया गया था, लेकिन इनका कहना था कि वो किसी भी कीमत पर इन तीनों अध्यादेशों को मानने वाले नहीं है। शिरोमणि अकाली दल अमृतसर यूथ नेता ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि हम हवा का रुख बदलने का दम रखते हैं तो ये कानून तो कुछ भी नहीं है।
कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध कर रहे किसानों ने अंबाला में दिल्ली अमृतसर नेशनल हाईवे जाम कर दिया और दिल्ली अमृतसर रेलवे ट्रैक पर डेरा डाल दिया। किसानों ने रेलवे ट्रैक पर डेरा डालकर के कृषि कानूनों का विरोध भी जताया और कहा कि जब तक कृषि कानून वापस नहीं होते तब तक धरने प्रदर्शन जारी रहेंगे। किसानों की जाम की वजह से हाईवे पर वाहनों की कतारें लग गई। हरियाणा पंजाब बॉर्डर पर कलाकार दीप संधू के बुलावे पर भारी संख्या में लोग इकट्ठा हुए और हरियाणा पंजाब बॉर्डर को ठप कर दिया गया। इस दौरान कई कलाकार भी धरने पर मौजूद रहे और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। बॉर्डर पर लोग इकट्ठा हुए तो कृषि अध्यादेशों के विरोध में हुए थे, लेकिन लोगों ने मांग खालिस्तान और आजादी की कर दी। उन्होंने कहा कि हमें अपने विधानसभा और लोकसभा बनानी पड़ेगी, उन्हें आजादी लेनी पड़ेगी। सिरसा की जाट धर्मशाला में किसान संगठनों की मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें किसान संगठनों से जुड़े प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया और आगामी किसान आंदोलन पर चर्चा की। किसानों का कहना है कि तीनों कृषि बिल किसान विरोधी हैं, जब तक सरकार इन्हें वापस नहीं लेती तब तक उनका ये विरोध जारी रहेगा। 6 अक्टूबर को उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला और बिजली मंत्री रणजीत सिंह की आवाज का घेराव किया जाएगा। पानीपत में बीजेपी सांसद संजय भाटिया ने हर सर हेलमेट की मुहिम की शुरुआत की, जिसमें 18 साल के युवाओं का लर्निंग लाइसेंस बनते ही उन्हें मुफ्त में हेलमेट बांटे गए। मुहिम के तहत 40,000 हेलमेट बांटना लक्ष्य है। बीजेपी जिलाध्यक्ष ने कहा कि मुहिम के तहत बच्चे सुरक्षित रहेंगे, शुरू से ही उन्हें हेलमेट पहनने की आदत पड़ जानी चाहिए। गुरुग्राम में 4 युवकों पर 32 साल की महिला के साथ गैंगरेप का आरोप लगा है। आरोपियों ने वारदात के बाद महिला की पिटाई भी की और इस घटना में पीड़िता को सर में गंभीर चोटें आई हैं। पीड़िता को इलाज के लिए दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में रेफर किया गया है। वारदात शहर के पौश इलाके डीएलएफ फेज 4 में हुई है। गुरुग्राम पुलिस ने इस मामले में तत्काल कार्रवाई करते हुए चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। चारों आरोपी फूड डिलीवरी कंपनी में डिलीवरी बॉय का काम करते हैं। पुलिस का कहना है कि चारों आरोपी युवक से सख्ती से पूछताछ की जा रही है और घटना के बारे में विस्तृत जानकारी हासिल की जा रही है। पुलिस इस मामले के अन्य बिंदुओं की जांच कर रही है। पुलिस ये जानना चाह रही है कि क्या आरोपी पीड़िता को पहले से जानते थे। अंबाला पुलिस का खौफ शराब माफियाओं में नजर आया। पुलिस ने दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे के किनारे से शराब बरामद की। हाईवे के किनारे कच्चे रास्ते पर शराब फेंकी गई थी। पिछले एक महीने से अंबाला पुलिस लगातार अवैध शराब के गोदामों पर छापेमारी कर रही है। अवैध शराब के गौरख धंधे को बंद करने के लिए एक महीने पहले अंबाला में 2 SIT बनाई गई थी। अंबाला में बीते एक महीने से अंबाला पुलिस इन शराब माफियाओं के 11 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है और उनके कई अवैध गोदामों पर रेड मार कर चुकी है, जहां से हजारों लीटर अवैध शराब बरामद हुई। पंचकुला के रायपुर रानी के नजदीक मौली गांव के पास अवैध शराब फैक्ट्री मिली है। CID और CM फ्लाइंग टीम ने छापा मार करके अवैध फैक्ट्री का खुलासा किया। टीमों को मौके से भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद हुई है। हैरानी की बात तो यह है कि पुलिस चौकी से महज 200 मीटर की दूरी पर यह धंधा चल रहा था। पुलिस ने फैक्ट्री को सील कर दिया है। फतेहाबाद पुलिस ने ड्रग तस्करी के मामले में बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस के द्वारा नशे की गोलियां बनाने की दिल्ली की फैक्ट्री के मालिक को गिरफ्तार किया गया और इस फैक्ट्री मालिक के द्वारा फतेहाबाद इलाके में 70% नशा तस्करों को नशीली गोलियां सप्लाई की जा रही थी। हरियाणा और पंजाब में कई बड़े नशे तस्करों को इस फैक्ट्री मालिक के द्वारा नशे की गोलियां सप्लाई की जाती थी और बीते दिनों पुलिस ने 3 तस्करों को गिरफ्तार कर 40,800 नशे की गोलियां बरामद की थी। उन्हें तस्करों की निशानदेही पर पुलिस ने दिल्ली के गौरव अरोड़ा छतरी मालिक को दिल्ली से गिरफ्तार किया। फतेहाबाद के गांव रतनगढ़ के पेट्रोल पंप पर 2 बाइक सवार द्वारा लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। नकाबपोश बदमाशों ने पिस्तौल के दम पर पेट्रोल पंप के कर्मचारी से 44,700 रुपए की नकदी छीन ली और फरार हो गए। पुलिस के द्वारा 5 टीमों का गठन कर लुटेरों की तलाश की जा रही है। लुटेरों ने दहशत फैलाने के लिए पेट्रोल पंप के बाहर हवाई फायर भी किए। लूट की वारदात की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। जींद में पंजाब नेशनल बैंक से 20 लाख रुपए की चोरी करने के मामले में पुलिस ने नाबालिग आरोपी को गिरफ्तार किया, जबकि मामले का मास्टरमाइंड फरार हो गया। 20 सितंबर को हुई वारदात के मामले में गिरफ्तार नाबालिग आरोपी मध्य प्रदेश का रहने वाला है, जिसे राजस्थान से पकड़ा गया है। पुलिस पूछताछ में नाबालिग ने बताया कि सरगना उसको चोरी की वारदात को अंजाम देने के लिए बैंकों में भेजते थे। वारदात करने का वक्त लंच टाइम चुना गया। रेवाड़ी पुलिस ने IPL पर सट्टा लगाते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार किया। युवकों के पास से 5 लाख रुपए से ज्यादा की रकम बरामद हुई है। साथ ही 12 मोबाइल फोन पुलिस ने जब्त किए हैं और मामला मनचंदा सोसाइटी का है।
सोनीपत के अशोक विहार में रह रहे सीआरपीएफ जवान के मोबाइल पर लिंक भेज करके उनके खाते से 6,25,000 रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। सीआरपीएफ जवान अवकाश पर आए हुए हैं और छुट्टी बढ़वाने के बाद टिकट रद्द करवाने के लिए कस्टमर केयर का नंबर ऑनलाइन सर्च किया था। और इस मामले की जानकारी देते हुए गोहाना रोड पुलिस चौकी इंचार्ज राजकुमार ने बताया कि सीआरपीएफ जवान के खाते से 6,25,000 रुपए साइबर ठगी का निकाल लिए गए हैं और शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। प्रदेश सरकार द्वारा हरियाणा के सरकारी स्कूलों में प्राइवेट स्कूलों की तर्ज पर शिक्षा देने के लिए योजना तैयार की गई है, जिसके तहत मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने खंड स्तर पर सरकारी स्कूलों को मॉडल स्कूल बनाने की घोषणा की थी, जिसके तहत भिवानी के सेठ किरोड़ीमल राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल का चयन मॉडल स्कूल के रूप में चयन हुआ। इस योजना के तहत अब प्राइवेट स्कूलों की तर्ज पर सरकारी स्कूलों में आर्थिक रूप से कमजोर अभिभावक अपने बच्चों को अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा दे सकेंगे और इसके तहत प्रदेश के सभी 136 खंडों में संस्कृति मॉडल स्कूल खोले गए हैं। हाथरस की बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए पूरे देश भर में मोर्चा खुल गया है। यूपी सरकार और प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन का नारेबाजी की जा रही है और कैंडल मार्च निकाले जा रहे हैं। गोहला में भी लोगों ने कैंडल मार्च निकाला। लोगों ने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे से ना तो बेटियां पढ़ पाएंगी और ना ही बढ़ पाएंगी। इसके लिए समाज को जागरूक होना पड़ेगा। जब तक बेटियां सुरक्षित महसूस नहीं करती तब तक कुछ नहीं कह सकते। हाथरस घटना को लेकर के नूह की बेटियों का मानना है कि देश की ढीली न्याय प्रणाली अपराधी के लिए काफी हद तक जिम्मेदार है। आरोपियों को बिना किसी देरी के सजा मिलेगी तो वो घटनाओं को अंजाम देने से पहले झुकेंगे। प्रयोग फाउंडेशन के नू में आयोजित किए गए सेमिनार में महिलाओं ने बेबाकी के साथ अपनी बात रखी। सेल्फी विद डॉटर फाउंडेशन के ब्रांड एम्बेसडर प्रतिभागियों ने भी कानून व्यवस्था में बदलाव की मांग उठाई। हाथरस घटना को लेकर अभय चौटाला ने कहा कि ऐसे दरिंदों को सरेआम फांसी पर लटका देना चाहिए। अंग्रेजों और मुगलों के काल में भी ऐसे काम नहीं होते थे। पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। महेंद्रगढ़ में रेलवे फ्लाईओवर के पास लाइब्रेरी में शॉर्ट सर्किट के चलते आग लग गई। आग इतनी भयंकर थी कि देखते ही देखते लाइब्रेरी में रखा सामान जलकर के खाक हो गया। फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर के आग पर काबू पाया। आग लगने की वजह से लाइब्रेरी में रखा कीमती सामान जलकर के राख हो गया। लाइब्रेरी संचालक ने बताया कि लाइब्रेरी में रखा कंप्यूटर कीमती किताबें और फर्नीचर आग की भेंट चढ़ गया। मेवात के गांव आखेड़ा में कई सालों से रास्ते जर्जर अवस्था में है, जिससे ग्रामीणों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है और इस बारे में ग्रामीणों ने अपने स्तर पर जिला प्रशासन सहित स्थानीय नेताओं को कई बार अवगत कराया है, लेकिन अभी तक ग्रामीणों के इस मांग पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया है। नूह के गांव जयवत के जोहड़ की मेड़ टूटी होने से दुर्घटनाओं का अंदेशा बढ़ गया है, क्योंकि इस जोहड़ के साथ में एक सड़क भी गुजर रही है। ये सड़क जयवत होते हुए पुधाना कामा सड़क में जाकर मिलती है। पलवल में प्रजापति एकता मंच हरियाणा प्रदेश के बैनर तले पलवल में तीसरे प्रजापति विद्यार्थी सम्मान समारोह का आयोजन धूमधाम के साथ किया गया, जिसमें 10वीं से 12वीं कक्षा में श्रेष्ठ परिणाम लाने वाले जिले के 65 विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। इंद्र के गांव समौरा के शिव मंदिर में युवा संगठन समौरा की ओर से रक्तदान शिविर लगाया गया। इस मौके पर सरकारी अस्पताल की टीम ने सहयोग किया। इस अवसर पर 70 यूनिट तक रक्त एकत्रित किया गया। सरसा में देशी गौवंश के गोबर से बने दियो से दिवाली रोशन होगी। गोवंश से बने दीपक चीन में बने प्लास्टिक के दियो की जगह लेंगे। देश के 11 करोड़ परिवार तक ये दिए पहुंचाए जाएंगे। राष्ट्रीय कामधेनु आयोग ने मुहिम शुरू की है। 9 अक्टूबर से केंद्रीय मंत्री गिरिराज किशोर और राष्ट्रीय कामधेनु आयोग के अध्यक्ष मुहिम की शुरुआत करेंगे। हरियाणा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल मुहिम की शुरुआत करेंगे। हरियाणा की 50 गौशालाएं गोवंश से दिए बनाने के लिए आगे आई हैं और सभी 650 गौशालाओं में बिक्री के लिए दिए रखे जाएंगे। गौसेवा आयोग के वाइस चेयरमैन ने कहा कि इससे गौशालाओं की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। हरियाणा में 1188 नए कोरोना मरीज, 1,32,000 से ज्यादा कुल कोरोना संक्रमित केस, 12,868 एक्टिव मरीज और 24 घंटे में 25 मरीजों की मौत। सरसा में कोरोना से एक महिला समेत 2 लोगों की हुई मौत। जिले में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 69 हो गया है। आज फिर 59 नए मामलों की पुष्टि हुई। पंचकुला में 2 कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज के दौरान मौत हो गई। जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत का आंकड़ा 93 हो गया। अंबाला में कोरोना से 2 लोगों की जान चली गई। 72 नए मामले सामने आए। 125 मरीज डिस्चार्ज भी हुए, जिसके बाद कुल डिस्चार्ज होने वाले मरीजों की संख्या 7,560 पर हो चुकी है। नूह में पिछले 24 घंटे में कोरोना के सिर्फ 2 मामले ही सामने आए हैं, जबकि 4 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया है। अब तक जिले में कोरोना से 23 लोगों की मौत हो चुकी है। देश में कुल 65,47,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमित केस, 9,37,000 से ज्यादा एक्टिव मरीज, कुल 1,01,812 मरीजों की मौत।
महाराष्ट्र में 14,348 नए कोरोना केस और 14,30,000 से ज्यादा कुल केस, 2,58,000 से ज्यादा एक्टिव केस और एक दिन में 278 मरीजों की मौत। आंध्र प्रदेश में 6,224 नए कोरोना मरीज, 7,13,000 से ज्यादा कुल कोरोना केस, 55,282 एक्टिव केस और एक दिन में 41 मरीजों की मौत। कर्नाटक में 9,886 नए कोरोना मरीज, 6,30,000 से ज्यादा कुल संक्रमित केस, 1,12,000 से ज्यादा एक्टिव केस, एक दिन में 100 मरीजों की मौत। तमिलनाडु में 5,622 नए कोरोना मरीज, 6,14,000 से ज्यादा कुल संक्रमित केस और 46,000 से ज्यादा एक्टिव केस, एक दिन में 65 मरीजों की मौत। यूपी में 3,631 नए कोरोना मरीज, 4,10,000 से ज्यादा कुल संक्रमित केस, 47,827 एक्टिव केस और एक दिन में 60 मरीजों की मौत। राजधानी दिल्ली में 2,258 नए कोरोना मरीज, 2,87,000 से ज्यादा कुल संक्रमित केस, 25,000 से ज्यादा एक्टिव मरीज, एक दिन में 34 मरीजों की मौत। राजस्थान में 2,150 नए कोरोना मरीज और 1,41,000 से ज्यादा कुल कोरोना केस, 21,000 से ज्यादा एक्टिव मरीज, 1,500 से ज्यादा की मौत। दुनिया में 3,51,00,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमित केस, 10,37,000 से ज्यादा कोरोना मरीजों की मौत, 79,00,000 से ज्यादा एक्टिव मरीज। अमेरिका में 76,00,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमित केस, 2,14,000 से ज्यादा मरीजों की मौत, 25,68,000 से ज्यादा एक्टिव मरीज। अमेरिका के वॉल्टर रीड अस्पताल के बाहर संदिग्ध पैकेट मिला, वॉल्टर रीड अस्पताल में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का इलाज चल रहा है, ट्रंप और उनकी पत्नी कोरोना संक्रमित है। ब्राजील में 49,00,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमित केस, 1,46,000 से ज्यादा कोरोना मरीजों की मौत, 5,12,000 से ज्यादा एक्टिव केस। रूस में 12,04,000 से ज्यादा संक्रमित केस और 21,000 से ज्यादा कोरोना मरीजों की मौत, 2,07,000 से ज्यादा एक्टिव कोरोना केस। पाकिस्तान में 3,14,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमित केस, 6,000 से ज्यादा मरीजों की मौत, 9,135 एक्टिव कोरोना केस। प्रियंका चोपड़ा जॉनस ने अपनी ऑटोबायोग्राफी किताब अनफिनिश्ड का फर्स्ट लुक अपने सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया है, जिसे फैंस खूब पसंद कर रहे हैं। द कपिल शर्मा शो में इस वीकेंड बॉलीवुड एक्टर मनोज बाजपेयी और डायरेक्टर अनुभव सिन्हा नजर आएंगे। इस बीच सोशल मीडिया पर एक प्रोमो जमकर के वायरल हो रहा है। मलाइका अरोड़ा हाल ही में एक उनका थ्रोबैक वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में मलाइका छैया छैया सॉन्ग पर धमाकेदार डांस करते हुए नजर आ रही है। डायरेक्टर और प्रोड्यूसर जेपी दत्ता आज अपना 71वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। जेपी दत्ता ने बॉलीवुड में बतौर डायरेक्टर गुलामी फिल्म से डेब्यू किया। बॉर्डर, गुलामी, पलटन रिफ्यूजी उनकी ब्लॉकबस्टर फिल्में साबित हुई। शिल्पा शेट्टी सोशल मीडिया पर खासी एक्टिव बनी रहती हैं और शिल्पा शेट्टी का एक थ्रोबैक डांस वीडियो इन दिनों खूब वायरल हो रहा है। वीडियो में शिल्पा शेट्टी मशहूर डांसर धर्मेश संग चुरा के दिल मेरा सॉन्ग पर धमाकेदार डांस कर रही हैं। टीवी एक्ट्रेस निया शर्मा अपने ग्लैमरस फोटोशूट की वजह से सुर्खियों में छाई रहती हैं। हाल ही में निया शर्मा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वो बेहद ग्लैमरस अंदाज में नजर आ रही है। रियलिटी शो बिग बॉस 14 3 अक्टूबर से शुरू हो गया है और शो में इस बार एंटरटेनमेंट का तड़का लगाने के लिए राधे मां को बुलाया गया है। बिग बॉस के अपकमिंग एपिसोड में सिद्धार्थ शुक्ला राधे मां के भजनों पर झूमते हुए और आशीर्वाद लेते हुए दिखाई देंगे। एक्ट्रेस मोनालिसा का एक डांस वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब जमकर के वायरल हो रहा है। वीडियो में मोनालिसा लाल जोड़े में तैयार होकर के डांस करती हुई नजर आ रही है। हरियाणा के खेल राज्य मंत्री और भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कप्तान संदीप सिंह ने खुद सोशल मीडिया पर ऐलान किया कि सूरमा का सीक्वल बनने जा रहा है। फिल्म में संदीप सिंह के सियासी सफर को दिखाया जाएगा। एक्ट्रेस मिस्ट्री मुखर्जी का शुक्रवार को किडनी फेलियर के कारण निधन हो गया। फिल्म लाइफ की तो लग गई। मिस्ट्री मुखर्जी ने बॉलीवुड में डेब्यू किया था। बॉलीवुड से लेकर के फैंस में शोक की लहर।